हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम सचिन सिंह है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईआईटी मुंबई में एडमिशन के लिए आप लोग को कितना रैंक लाना पड़ेगा जेई एडवांस के एग्जाम में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं इंडिविजुअली हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एक्सेट्रा, हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैं आपको एक ओपन रैंक बताऊंगा और क्लोज रैंक बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईआईटी मुंबई के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि आईआईटी मुंबई में एडमिशन के लिए हम लोग को दो एग्ज़ाम देना पड़ता है। सबसे पहले जेई मेंस, उसके बाद जेई एडवांस। तो आईआईटी मुंबई बना था 1958 में और आईआईटी मुंबई इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट आईआईटी ऑफ इंडिया। यानी आईआईटी खड़गपुर के बाद बना था आईआईटी मुंबई। आईआईटी खड़गपुर पहला ओल्डेस्ट, सबसे पुराना आईआईटी है इंडिया का। उसके बाद आईआईटी मुंबई है जो सबसे पुराना आईआईटी है इंडिया में। IIT बॉम्बे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट कॉलेज फेस्टिवल। तो दोस्तों फाइनली चलिए हम लोग बात करते हैं रैंक के बारे में। तो आप लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर करना है IIT मुंबई से तो इसका ओपन रैंक है 750 और इसका क्लोज रैंक है 2100। इसका ओपन रैंक है 750 और इसका क्लोज रैंक है 2100। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो इसका ओपन रैंक है 850 और इसका क्लोज रैंक है 1500। इसका ओपन रैंक है 850 और इसका क्लोज रैंक है 1500। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग IIT मुंबई से करना है तो इसका ओपन रैंक है 1000 और इसका क्लोज रैंक है 2300। इसका ओपन रैंक है 1000 और इसका क्लोज रैंक है 2300। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो अगर आप लोग को IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो इसका ओपन रैंक है 1 और इसका क्लोज रैंक है 60। इसका ओपन रैंक है 1 और इसका क्लोज रैंक है 60। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT मुंबई से करना है तो इसका ओपन रैंक है 70 और इसका क्लोज रैंक है 260। इसका ओपन रैंक है 70 और इसका क्लोज रैंक है 260। तो दोस्तों अब आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो अगर आप लोग को IIT मुंबई से इंजीनियरिंग फिजिक्स का डिग्री लेना है, आपको कोर्स करना है, तो इसका ओपन रैंक है 60 और इसका क्लोज रैंक है 1500। इसका ओपन रैंक है 660 और इसका क्लोज रैंक है 1500। सो दोस्तों लास्ट अब आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप लोग को IIT मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो इसका ओपन रैंक है 200 और इसका क्लोज रैंक है 800। इसका ओपन रैंक है 200 और इसका क्लोज रैंक है 800। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो से रिलेटेड या IIT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।